आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन अवसर पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला। यह मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इस वर्ष भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो टी यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं टी कोई गर्म नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारा देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमने देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद और काफ़ी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त वर्ष 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ और सभी भारतवासियों ने आज़ादी की सांस ली। आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगा। फांसी पर चढ़ गए और सीने में गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत को या भारत के इतिहास में स्वर्ण अवसरों में लिखा गया है। हर साल देश प्रधानमंत्री लाल किले से पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है, सेना द्वारा परेड मार्च और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए राष्ट्रध्वज के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संपूर्ण देश में बहुत ही जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर बच्चे भाग लेते हैं और अलग अलग पेशकश पेश करते हैं। कोई देशभक्ति गीत सुनाता है, कोई देशभक्ति से संबंधित कविता सुनाता है और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों गीतों पर नृत्य करते हैं। छात्र भगत सिंह, महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी बनते हैं और नाटक पेश करते हैं। सभी दफ्तरों, कार्यालयों, संस्थाओं आदि का सरकारी अवकाश रहता है। हमने अंग्रेजों के शासन से आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कुछ से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। हमें सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद रखते हुए, अपने राष्ट्र का सम्मान करते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण लेना चाहिए।
आइए स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ दिन पर हम सभी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गरिम लहू की, तब तक भारत माता का अचल लीलाम नहीं होने देंगे। जय भारत, जय हिंद।